हाय फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस कर देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का एक और प्रॉब्लम. लेट अस गो थ्रू द प्रॉब्लम. अ लाइन सीडी 80 mm लॉन्ग इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू वीपी एंड इट्स फ्रंट व्यू इज इंक्लाइन एट 35 डिग्री टू एचपी. देखिए क्या क्या डेटा देके रखा है. एक तो लाइन की ट्रू लेंथ देके रखी है जो कि है 80 mm. अ लाइन सीडी 80 mm लॉन्ग मतलब ट्रू लेंथ गिवन है. इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू वीपी मतलब वीपी के साथ उसका ट्रू इंक्लिनेशन मतलब 45 डिग्री दे के रखा है. दूसरा इट्स फ्रंट व्यू इज इंक्लाइन एट 35 डिग्री टू एचपी मतलब यहाँ पे आपको अल्फा दे के रखा है. देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन दे के रखा है एचपी के साथ, नॉट द ट्रू इंक्लिनेशन. ट्रू इंक्लिनेशन नहीं है. किसका इंक्लिनेशन है? फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन है 35 डिग्री, मतलब वो अपेरेंट एंगल है जो कि 35 डिग्री दे के रखा है. हमको क्या करना है? ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस एंड फाइंड द ट्रू इंक्लिनेशन विथ एचपी. उसका एचपी के साथ ट्रू इंक्लिनेशन निकालना है. वन एंड सी ऑफ द लाइन इज इन द एचपी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी. देखिए हमने जो लास्ट प्रॉब्लम किया था सिमिलर टू डेट है, खाली एंगल चेंज हो गया एचपी और वीपी के साथ, लगभग उस टाइप का प्रॉब्लम है. ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं. पहले सबसे पहले बना देंगे अपन एक्स वाई. पहले सबसे पहला काम करते हैं सी पॉइंट जो है उसको लोकेट करना है, मतलब उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है. तो क्या है? सी ऑन ऑफ द लाइन इज इन द एचपी मतलब ये हो गया अपना सी डैश एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब ये हो गया सी 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी. दिस इज सी. तो ये सी पॉइंट का फ्रंट व्यू हो गया सी डैश और ये उसका हो गया टॉप व्यू, क्योंकि अपने को देखिए रखा सी वन एंड सी ऑफ द लाइन इज इन द एचपी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी. अभी देखिए आप ध्यान से, इसमें एक ट्रू लेंथ देके रखा है, एक ट्रू एंगल है और एक अपरेंट एंगल है. एक ट्रू एंगल है और दूसरा अपरेंट एंगल है. तो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रू एंगल. वीपी के साथ ट्रू एंगल जो है उसे स्टार्ट कर देते हैं. तो हम क्या कर देते हैं, वीपी के साथ का जो ट्रू एंगल है वो अपने को टॉप व्यू में दिखेगा. तो हम टॉप व्यू में जो एंगल है उसका 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री बना देते हैं लाइक दिस. ये एंगल 45 और ये जो है उसकी ट्रू लेंथ बन गई सी डी. तो ये हो गई ट्रू लेंथ जो कि गिवन है अपने को 100 mm. ये क्वेश्चन में 100 नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन में ट्रू लेंथ है 80 mm. ओके, अभी क्या करना है कि डी पॉइंट जो है उसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं लाइक दिस. सो दिस इज द लोकस ऑफ टॉप व्यू ऑफ पॉइंट डी. पॉइंट डी के टॉप व्यू का लोकस हो गया है ये. ओके, दूसरा क्या देके रखा है? अपरेंट एंगल देके रखा है 35 डिग्री एचपी के साथ, जो उसका फ्रंट व्यू इंक्लिनेशन करता है वो देके रखा है. तो यहां से एक 35 का एंगल बना देंगे इस तरह से, जो कि उसके फ्रंट व्यू का एंगल इंक्लिनेशन है अपरेंट, वो बना दिया हमने. ये फ्रंट व्यू का जो एंड पॉइंट है दूसरा मतलब डी डैश, वो लोकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने को फ्रंट व्यू की लेंथ नहीं पता है. तो जो डेटा दिया हुआ था क्वेश्चन में हमने वो उसको प्लॉट कर दिया है. अभी इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सीरी जो है उसका टॉप व्यू है ट्रू लेंथ का. टॉप व्यू जो है वो ट्रू लेंथ और ट्रू इंक्लिनेशन का है. देखिए तो लाइन का अगर एक व्यू ट्रू लेंथ और ट्रू इंक्लिनेशन का होता है तो उसका दूसरा व्यू कैसा होता है? एक्स वाई को पैरेलल. तो दूसरा व्यू उसका एक्स वाई को पैरेलल होगा. तो डी पॉइंट में से एक प्रोजेक्शन लीजिए, प्रोजेक्शन लाइन बनाइए. कहाँ तक बनाएंगे? जिससे कि उसका फ्रंट व्यू जो है वो एक्स वाई को पैरेलल हो जाए. सी पॉइंट का फ्रंट व्यू ये है तो उसका लाइन का फ्रंट व्यू जो होगा वो एक्स वाई के ऊपर ही आ जाएगा. ठीक है, और ये हो गया अपना एलिवेशन लेंथ. एलिवेशन में लाइन की लेंथ हो गई. ओके, हम क्या करेंगे अभी, इसको सी डैश को सेंटर रख के सी डैश डी डैश जितनी रेडियस लेंगे इतनी रेडियस लेंगे और सी डैश को सेंटर रख के इसको रोटेट करेंगे लाइक दिस. ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा इसको नाम दे देते कुछ डी वन डैश. तो ये सी डैश डी वन डैश जो है दैट इज द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन. ये लाइन का फ्रंट व्यू हो गया. ठीक है, ये लाइन का फ्रंट व्यू मिल गया. फिर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं डी वन डैश में से. तो ये क्या हो गया भाई, लोकस ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ पॉइंट डी. ओके, यहां तक हो गया क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से. अभी हम क्या करते हैं, लाइन की जो ट्रू लेंथ है
उतनी लेंथ लेके यहां से सी डैश को सेंटर लेके यहां पे आर्क लगाएंगे लाइक दिस। सो ये जो है डी टू डैश सी डैश डी टू डैश इज द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। ये क्या हो गया? ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इन द फ्रंट व्यू। तो ये जो होगा इन दैट केस दिस विल बी द थीटा, जो कि अपने को जो एंगल चाहिए वो है। क्वेश्चन में हमको जो पूछा गया है कि एचपी के साथ उसका एंगल निकालिए ट्रू एंगल, तो ये लाइन का ट्रू एंगल निकल गया एचपी के साथ। क्या किया हमने? जो डी पॉइंट का फ्रंट व्यू का लोकस था उसके ऊपर आर्क लगाया कितनी रेडियस लेके, ट्रू लेंथ जितनी रेडियस लेके, किसको सेंटर रखा? सी डैश को सेंटर रखा। सी डैश को सेंटर रखे ट्रू लेंथ जितनी रेडियस लेके, जो कि यहाँ पे 80 mm है ये केस में, उतनी रेडियस लेके हमने आर्क लगाया ऐसे डी पॉइंट के फ्रंट व्यू के लोकस पे। तो ये जो है सी लाइन सी डी का फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ हो गया और उसका एच पी के साथ ट्रू इंक्लिनेशन हो गया। ठीक है, अभी देखिए अगर लाइन का फ्रंट व्यू जो है वो ट्रू लेंथ और ट्रू इंक्लिनेशन का है तो उस टाइम पे उसका टॉप व्यू कैसा होगा? एक्स वाई को पैरेलल। तो फिर से लाइन का टॉप व्यू बनाने के लिए उसको प्रोजेक्ट करेंगे, कहां तक प्रोजेक्ट करेंगे? जहां तक सी पॉइंट का टॉप व्यू है। सी पॉइंट का टॉप व्यू और डी पॉइंट का टॉप व्यू यहां पे आ गया। तो देखिए लाइन का जो टॉप व्यू है उस टाइम पे कैसा हो गया? एक्स वाई को पैरेलल हो गया। तो ये जो है वो हो गया आपका प्लान लेंथ। क्या हो गया? प्लान लेंथ। ओके, अभी हम क्या करेंगे? सी को सेंटर लेंगे, सी डी जितनी रेडियस लेंगे इसको फिर से रोटेट करेंगे। सी को सेंटर, सी डी जितनी रेडियस, इसको रोटेट करेंगे प्लान लेंथ को, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा डी के लोकस को टॉप व्यू के, उसको नाम दे देते हैं कुछ, ये डी वन दे देते हैं, ये डी टू। तो देखिए सी डी टू ज्वाइन करिए तो ये लाइन ए बी का क्या हो गया? टॉप व्यू हो गया। तो ये लाइन ए बी का टॉप व्यू हो गया, ये ट्रू इंक्लिनेशन विद एच पी हो गया, ये अपरेंट इंक्लिनेशन विद एच पी हो गया, ये ट्रू इंक्लिनेशन विद वी पी, और ये अपरेंट इंक्लिनेशन विद वी पी हो गया। जो भी है वो फाइंड कर सकते हैं हम। ये दोनों पॉइंट्स लाइन में आ जाए, डी पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लाइन में आए, मतलब हमने प्रॉब्लम जो भी सॉल्व किया अब तक वो सब कुछ सही है, नहीं तो हम लोचे किए हैं, लोचे किए तो उसको सुधार। ठीक है, तो ये अपना प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए डिस्कस कर देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स का एक और प्रॉब्लम। क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं, अ लाइन ए बी 100 mm लॉन्ग, लाइन ए बी जो है वो 100 mm लॉन्ग है, मतलब यू आर गिवन द ट्रू लेंथ, आपको ट्रू लेंथ गिवन है जो कि 100 mm है, एंड ए इज 20 mm अबव एच पी एंड इन द वी पी, मतलब ए पॉइंट जो है वो उसका मतलब फ्रंट व्यू टॉप व्यू देके रखा है, अनदर एंड बी इज 50 mm अबव एच पी एंड 60 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, मतलब बी पॉइंट का भी फ्रंट व्यू टॉप व्यू देके रखा है। पर देखिए हमको एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस नहीं दिया है इक्वेशन में, एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस की जगह अपने को दी है ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस की जगह अपने को क्या दी है? ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन दी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है चलिए समझते हैं। तो पहले हम क्या करते थे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पहले ए पॉइंट जो है उसको तो लोकेट कर देते हैं, बी पॉइंट की बात बाद में करते हैं। तो ए पॉइंट जो है वो कहाँ पे है? 20 mm above HP, above HP माना ये हो गया A point का front view, and in the VP, in the VP मतलब A point का जो top view आएगा वो XY पे आ जाएगा itself। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए हमको लाइन का कोई भी एंगल देके नहीं रखा है, ना ट्रू ना अपरेंट, कोई भी एंगल नहीं देके रखा है। इंस्टेड ऑफ दैट हमको क्या देके रखा है? बी पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देके रखा है। तो देखिए उसमें क्या करते हैं हम, Another end B is 50 mm above HP, क्योंकि हमको true length और true inclination है ही नहीं, true length तो है खैर, but true inclination एक के भी साथ नहीं है, ना HP के साथ है ना VP के साथ है। तो हम क्या करेंगे, यहां से 50 mm ऊपर, 50 mm ऊपर यहां से एक horizontal line बना देंगे। ये कितना होना चाहिए? 50 mm। क्यों ऐसा बनाया? क्योंकि यहां पे जो है locus of front view of बी हो गया, तो मतलब फ्रंट व्यू का जो बी का जो फ्रंट व्यू होगा वो ये लाइन पे कहीं ना कहीं आने वाला है, वो बात पक्की हो गई। और दूसरा 60 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो हम यहां से 60 mm पे दूसरी लाइन बना देते हैं नीचे, 60 mm पे दूसरी लाइन बना देते हैं, ये 60 mm का डिस्टेंस लेके दूसरी लाइन बना देते हैं हॉरिजॉन्टल, जो कि हो गया लोकस ऑफ टॉप व्यू ऑफ बी। देखिए क्योंकि हमको ट्रू लेंथ देके ही नहीं रखे हैं, ना एच और अपरेंट एंगल देके रखे हैं, तो बी पॉइंट को हम इस तरह से लोकेट ही नहीं कर पाते थे, पर हमको क्या है कि उसका 50
50 mm above HP and 60 mm in front of VP दे के रखा है, तो अपने को पता है कि B point का front view ये line पे आने वाला है, हमको ये भी पता है कि B point का top view ये line पे आने वाला है। अभी find कर लेते हैं कहाँ पे आने वाला है, उसके लिए हमको true length दे के रखा है। Line की true length कितनी है? 100 mm। तो हम क्या करते हैं, 100 mm जितनी radius ले लेते हैं और क्या करते हैं, A' को center रख के, A' को center रख के arc लगाते हैं यहाँ पे, A' B'। तो ये जो है लाइन की ट्रू लेंथ हो गई फ्रंट व्यू में, जो कि है 100 mm। ओके, तो लाइन की ट्रू लेंथ हो गई फ्रंट व्यू में, तो ये जो एंगल होगा, दिस विल बी द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन विथ HP। HP के साथ का जो ट्रू एंगल है वो कहां पे दिखता है? फ्रंट व्यू में दिखता है। तो ये लाइन का ट्रू एंगल हो गया HP के साथ, वो मेजर कर लेंगे हम प्रोटेक्टर से, तो ये एंगल मिल जाएगा अपने को। एक काम हो गया, चलिए एक एंगल मिल गया अपने को HP के साथ का, ठीक है। अभी दूसरा क्या करते हैं, फिर से वही ट्रू लेंथ ले लेते हैं और अभी ए पॉइंट का जो टॉप व्यू है उसको सेंटर लेते हैं और रेडियस कितनी, वही ये जो 100 mm है यहां से यहां तक की, उतनी ही रेडियस लेके फिर से आर्क लगाएंगे। तो ये हो गया आपका बी पॉइंट का टॉप व्यू ट्रू लेंथ के साथ। तो ये ट्रू लेंथ में हो गई टॉप व्यू में लाइन AB की, इसको ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस। ये हो गई ट्रू लेंथ लाइन की, जो कि 100 mm है इन दिस क्वेश्चन। तो ये जो एंगल हो गया वो हो गया आपका लाइन का ट्रू एंगल विथ VP। टॉप व्यू में किसके साथ का एंगल दिखता है लाइन का? VP के साथ का। तो VP के साथ का ट्रू इंक्लिनेशन हो गया। अभी तो देखिए ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल मोस्ट सिंपल बेसिक फर्स्ट काइंड का जो प्रॉब्लम किया था हमने फर्स्ट लेक्चर में, जो डिस्कस किया था वैसा ही प्रॉब्लम हो गया है। अभी तो बिल्कुल सब कुछ ईजी हो गया है। अभी देखिए क्या करेंगे हम, देखिए लाइन का जो फ्रंट व्यू है ट्रू लेंथ का और ट्रू इंक्लिनेशन का है, उस टाइम पे कैसा होगा टॉप व्यू उसका? B1 नाम दे देते हैं। तो वो टॉप व्यू होगा XY को पैरेलल, ये हो गया आपका प्लान लेंथ, ठीक है। तो प्लान लेंथ जितनी रेडियस लेते हैं, एक को सेंटर लेके इसको रोटेट करेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना B2। तो ये B2 जो है वो B पॉइंट का क्या हो गया? टॉप व्यू हो गया। A पॉइंट के टॉप व्यू और B पॉइंट के टॉप व्यू को ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया अपना लाइन AB का टॉप व्यू। ये हो गया क्या हो गया? टॉप व्यू, ठीक है। वैसे ही वही प्रोसीजर फिर से रिपीट करेंगे, कैसे? यहां से AB का जो टॉप व्यू है वो ट्रू लेंथ का है, तो उस टाइम पे उसका जो फ्रंट व्यू होगा, देखो AB का फ्रंट व्यू कहां पे आता है? जहां पे A पॉइंट का फ्रंट व्यू है वहीं से XY को पैरेलल होगा, क्योंकि ये ट्रू लेंथ का है और ट्रू इंक्लिनेशन का है, तो उसका फ्रंट व्यू जो है XY को पैरेलल आया और ये हो गया एलिवेशन लेंथ। हम क्या करेंगे अभी A' को सेंटर लेंगे और रेडियस कितनी लेनी है? A'B', दैट मींस एलिवेशन लेंथ जितने रेडियस लेके इसको घुमाएंगे, यहां पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा लोकस ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ B को, उसको नाम कुछ दे देते हैं B2', ये हो गया है B1', ठीक है। अभी देखो B2' और A' को ज्वाइन करो, तो ये लाइन AB का टॉप हो गया, क्या हो गया? फ्रंट व्यू। ये हो गया उसका फ्रंट व्यू। तो देखिए लाइन AB के प्रोजेक्शन हो गए। अगर अपेरेंट एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो ये मिल जाएगा आपको बीटा VP के साथ और ये मिल जाएगा आपको अल्फा HP के साथ, ठीक है। तो ये ट्रू एंगल भी मिल गए थीटा और फाई। थीटा किसके साथ है? HP के साथ। और फाई किसके साथ है? VP के साथ। और बाकी अपेरेंट एंगल भी आप निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा HP के साथ अपेरेंट एंगल, VP के साथ अपेरेंट एंगल। तो लाइन AB का प्रोजेक्शन पूरा हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे।